हेलो दोस्तों, वेलकम टू शानो स्टडी 1998। आप लोग के आपके अपने चैनल शानो स्टडी 1998 पे स्वागत है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम बात करने वाले हैं, आप देख सकते हो कि SSC JEE के पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। किसकी जो रिजल्ट डेट है वो कब तक आएगी, बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था। अब अगर एग्जाम डेट के बारे में बात करें, 1 अक्टूबर 2000 ये जो है, ठीक है। अब एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम जो है वो आप लोग का 22 से लेके 24 मार्च तक कंप्लीट किया। अब बात करें कि आज हम कटअप बताएंगे, किस बेसिस पे बताएंगे। कटअप कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले टोटल कितनी वैकेंसीज थी, ठीक है, कितनी वैकेंसीज हैं, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, टोटल अपीयरेंस, ओके। उसके बाद सेकेंड जो थिंग है, थर्ड थिंग जो आप मुझे सॉरी, कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का पैटर्न कैसा है। प्रीवियस ईयर भी यहाँ पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए लेवल जो था दोस्तों, इस बार का मॉडरेट लेवल था, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं था, आप सभी को पता है। अब टोटल वैकेंसीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसीज थी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सिर्फ मेल के लिए थे दोस्तों, ठीक है, वो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल में टोटल पोस्ट थी। SC के लिए 12, ST के लिए 6, OBC के लिए 22, EWS के लिए 8, रिजर्व कैटेगरी के लिए 32, टोटल 80 पोस्ट थी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में यहाँ पे बॉर्डर रोड में। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो मेल कैंडिडेट है जूनियर सिविल के लिए, टोटल 62 पोस्ट थी SC के लिए, 31 पोस्ट थी ST के लिए, 112 पोस्ट OBC के लिए, 41 पोस्ट EWS के लिए, 171 पोस्ट जो थी रिजर्व कैटेगरी के लिए, टोटल 417 पोस्टें थी। अब सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 0 पोस्ट थी, ST के लिए, SC के लिए भी 0 थी, OBC के लिए मात्र 2 पोस्ट थी, EWS के लिए भी 0 पोस्ट थी, टोटल रिजर्व कैटेगरी के 2 पोस्ट थी, टोटल 4 पोस्टें थी, ओके। अब अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सेंट्रल वाटर कमीशन में कितनी पोस्टें थी, तो जूनियर इंजीनियरिंग में जूनियर जो इंजीनियर है सिविल के लिए, वो टोटल 8 पोस्ट थी SC के लिए, 3 पोस्ट ST के लिए, 14 पोस्ट OBC के लिए, 5 पोस्ट EWS के लिए, 20 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, टोटल 50 पोस्टें हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्ल्ड डिपार्टमेंट CPWD के लिए इलेक्ट्रिकल में जो 7 पोस्ट SC के लिए, 3 पोस्ट ST के लिए, 14 पोस्ट OBC के लिए, 5 पोस्ट EWS के लिए, टोटल 23 पोस्ट रिजर्व कैटेगरी के लिए, टोटल जो पोस्ट थी 52 पोस्ट थी। अब जो सिविल के लिए आ गई, सेंट्रल पब्लिक वर्ल्ड डिपार्टमेंट यानी CPWD में 40 पोस्ट SC के लिए, 20 पोस्ट ST के लिए, 73 पोस्ट OBC के लिए, 27 पोस्ट EWS के लिए, 113 पोस्ट रिजर्व कैटेगरी के लिए, टोटल 273 पोस्टें थी। अब बात करें अगर इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल यानी कि MO डिफेंस में टोटल एक पोस्ट थी जो थी SC के लिए, एक पोस्ट OBC के लिए, एक पोस्ट रिजर्व कैटेगरी के लिए, टोटल 3 पोस्टें मात्र थी। अगर बात करें मैकेनिकल में तो एक पोस्ट ST के लिए, 2 पोस्ट OBC के लिए, एक पोस्ट EWS के लिए, एक पोस्ट रिजर्व कैटेगरी के लिए, टोटल 5 पोस्टें थी। अब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में सिविल के लिए जो थी वो सिर्फ OBC में एक पोस्ट और 2 पोस्ट थी जो तो आपका रिजर्व कैटेगरी में, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, अगर हम मैं बात करूँ अगर आप लोगों के सामने कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, जिन लोगों ने एग्जाम दिया उन्हें तो पता होगा, ओके दोस्तों। जो क्वेश्चन का इस बार का पैटर्न था, जनरल एंट्री रैंक 50 नंबर के क्वेश्चन थे, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर के क्वेश्चन थे, और उसके बाद पार्ट ए पार्ट बी में आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ था जनरल इंजीनियरिंग और सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, स्ट्रक्चरल जनरल इंग्लिश था, सिविल और स्ट्रक्चर के लिए पार्ट बी में जनरल इंग्लिश था, और जिन्हें इंजीनियरिंग मैकेनिकल में था उनका मैकेनिकल से क्वेश्चन था 100 नंबर का, 200 नंबर का टोटल क्वेश्चन था। मैट कटअप भी बताऊंगा उस हिसाब से। प्रीवियस ईयर कटअप की बात करें तो प्रीवियस ईयर कटअप जो था रिजर्व कैटेगरी के लिए सिविल में 127.40 गया हुआ था, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 152 गया हुआ था, OBC में 122.91 गया था, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 149.30 गया हुआ था, SC की बात करें तो 107.61 गया हुआ था, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो 133.39 गया हुआ था, ST की बात करें तो 107 गया हुआ था, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें तो 125.49 गया हुआ था। अगर OH में बात करें तो सिविल में गया हुआ था 97.45, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 110.55 गया था, EHS में गया था 6.11 सिविल में और 70.39 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। तो मैं चलते कटअप में बात करूँ, अब मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, कटअप के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। जो सिविल के लिए है, ठीक है, उनका जो कटअप जाएगा रिजर्व कैटेगरी में वो जाएगा 108 नंबर से लेके 113 नंबर के बीच में,
और जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए इसमें अप्लाई किए हैं उनका जो कटअप है वो 148 से लेके 152 के बीच रहने वाला है। ओके चलिए मैं बात करूँगा BWS कैटेगरी के लिए। दोस्तों BWS कैटेगरी में जो है वो सिविल के लिए, जो है सिविल के लिए इस बार कटअप 97 से लेके 104 के बीच जाएगा, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो कटअप रहने वाला है वो रहने वाला है 142 से लेके 150 के बीच में। ओके दोस्तों चलिए मैं बात करूँगा OBC कैटेगरी के लिए। तो OBC का जो कैटेगरी है, जो OBC का कैटेगरी है दोस्तों इस बार का, वो जाएगा आपका, मैं अगर आप सिविल की बात करें तो सिविल में जो जाने वाला है वो जाएगा 101 नंबर से लेके 108 नंबर के बीच में, और अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो इसका जो कटअप जाने वाला है वो जाने वाला है 143 से लेके 151 तक। ओके चलिए मैं बात करूँ अभी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का जो कटअप जाएगा दोस्तों इस बार का वो जाने वाला है सिविल में 90 से लेके 94 के बीच में, और अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए अप्लाई किए हैं तो उनका कटअप जो जाएगा वो जाएगा 135 नंबर से लेके 132 के बीच में। ओके चलिए बात करें हम एसटी कैटेगरी के बारे में। दोस्तों एसटी कैटेगरी का जो कटअप जाने वाला है इस बार का वो जाएगा, अगर आप सिविल के लिए अप्लाई किए हो तो सिविल के लिए अगर अप्लाई किए हो तो आपका जो कटअप जाएगा वो 95 से 99 के बीच जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए अप्लाई किए हो तो आपका जो कटअप है वो 125 से लेके 132 के बीच रहने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की कटअप पता चली गई होगी। अब रिजल्ट डेट के बारे में बात करें तो रिजल्ट डेट जो दोस्तों इसका मई के लास्ट तक जारी किया जा सकता है। ओके चलिए मैं बात करूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों एग्जाम एनालिसिस करवाया जाता है, कटअप के बारे में बात करते हैं, रिजल्ट डेट के बारे में बात करते हैं, फॉर्म फिलिंग के बारे में बात करते हैं, और मैं बहुत जल्द फ्री बातचीत लाने वाला हूँ इसके इस चैनल पर। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।